हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी का मुठिया, जिसको बोलते हैं गुजराती में बोलते हैं मेथी का मुठिया। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम मेथी पत्ते वाली, काट कर धोकर इसको साफ करके रखा है। और आधी कटोरी हमने बेसन लिया है, एक कटोरी चावल का आटा, थोड़ा सा हमने गेहूँ का आटा लिया है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है। आधी कटोरी हमने दही लिया है। अब हम इसका मिक्स तैयार करेंगे। अब हमने चावल का आटा डाल दिया, पहले बेसन भी डाल दिया है, गेहूं का आटा थोड़ा सा रखा था वो भी, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो तैयार करके रखा है वो। अब हम डालेंगे सूखे मसाले, वन टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, इसमें हरी मिर्ची नहीं डालनी होती है, वन टीस्पून धनिया और जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून हम नमक डालें, नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है। हाफ टी स्पून हम डालेंगे जीरा पाउडर, जीरा हमने घर पे दरदरा पीस के रखा है। हाफ टी स्पून हमें डालनी है इसमें हल्दी, हल्दी पाउडर डाला है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर ऑयल, तेल, ये मूंगफली का तेल है, इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे ऐसे। हम डाल देंगे दही, अब हम डाल देंगे मेथी, ये जो मेथी का मुठिया बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सर्दी में मेथी भाजी ज़्यादा आती है तो हम लोग बनाते ही रहते हैं ये। अब हमने गैस ऑन कर दिया है, फ्राई पैन रख दिया ऊपर, इसमें हम डालेंगे ऑयल 2 से 3 चम्मच तक, 3 चम्मच ऑयल डाला है, इसको फैला देंगे पूरे में, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना होता है इसमें। ये हमारी कढ़ाई गर्म, फ्राइंग गर्म हो रहा है, इसे हमें इस तरह से ऐसे करके उठाना है, ऐसे गोल गोल करके, इसीलिए इसको मुठिया बोलते हैं, शायद इस हिसाब से पकड़ते हैं इसको। इसी तरह से ऑयल तेल में रख देना, हमें सब एक एक करके सारे रख देंगे। ये देखिए हमारे सारे मुठिया डाल दिए मैंने इसमें, 2-3 पीस बाकी रह गए खाली, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। स्मेल तो आपको बताऊं क्या, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, खाने का मन कर रहा है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ पहले आप बनाते खाना, आपको अच्छा लगे तो ही आप लाइक करना। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे पकने देंगे, फिर हमें इसे पलट देना है। अब हम इसे एक एक करके सबको पलट देंगे ऐसे, इसी तरह से हम सारे पलट देंगे एक एक करके।
ये देखिए मैंने सारे मुठिया पलट दिए हैं और एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, ये दोनों तरफ से एक जैसे ब्राउन हो गए तब हम गैस बंद कर देंगे। हमारा मुठिया पक चुके हैं, अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा पानी का छींटा हाथ से। के लिए ढक के रखेंगे ऐसे। अब हमारी मुठिया तैयार है। हमने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी मेथी की मुठिया तैयार है। ये कितने सॉफ्ट है, अंदर से बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। ये पानी का छींटा देने से क्या होता है, ये वैसे एकदम थोड़े कुरकुरे होते हैं, क्रंची टाइप लगते हैं, और जो पानी का छींटा देते हैं अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं, ऊपर से भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।